एंड वेलकम बैक। तो यहाँ पर जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए आपका, तो NHM यूपी ने बंपर वैकेंसी निकाली है। बट नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये अपडेट नहीं किया गया है। ये आज के न्यूज़पेपर में आया हुआ नोटिफिकेशन है, बट ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही है। तो नेशनल हेल्थ मिशन यूपी ने 5000 वैकेंसी निकाली है CHO की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर पहले आपके लिए CCHN की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है, इन्होंने क्वालिफिकेशन क्लियर कट कर दिया है कि यहाँ पर GNM BSc नर्सिंग दोनों अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जगह जो CHO की पोस्ट निकालते हैं उनमें GNM वालों को एलिजिबल नहीं रख रहे हैं कुछ स्टेट में। बट यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा इनिशिएट लिया है कि जो यहाँ पर BSc GNM दोनों यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि CCH वालों को लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, फिर विदाउट CCH भी एलिजिबल है। तो इन्होंने अभी इतना बस कहा है कि ना तो अभी कोई डेट दी है, बट वैकेंसी रिलीज कर दी है, तो आप लोग अपनी तैयारी ज़ोर तोर से रखिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज, दैट मीन्स आपकी CCHN ट्रेनिंग करवाई जाएगी। देन आफ्टर आपको एक दो पेपर होते हैं टर्म एंड एग्ज़ाम, वो पेपर आपको क्लियर करने होंगे। देन आफ्टर आपकी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और सब हेल्थ सेंटर में, सब सेंटर में आपकी पोस्टिंग करवाई जाएगी एज अ CHO। तो इन्होंने यहाँ पर जो चीज़ कही, तो 2022-23 के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। 5000 पोस्ट रहने वाली हैं यहाँ पर टोटल। तो जो यहाँ पर 5000 वैकेंसी रहने वाली हैं, तो यहाँ पर कहा है कि 4 मंथ का जो ट्रेनिंग है, जनरली 6 मंथ होता है, बट इन्होंने यहाँ पर 4 मंथ की ट्रेनिंग कही है, कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए जाएंगे GNM BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग यहाँ पर एलिजिबल हैं। यहाँ पर BAMS वालों को मौका नहीं दिया गया है यूपी में इस बार। तो यहाँ पर BSc पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और GNM वाले एलिजिबल हैं। एज लिमिट है 35 ईयर्स और अदर कैटेगरी के लिए एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर यूपी गवर्नमेंट के रूल्स के। अब यहाँ पर जो भी लोग अप्लाई करेंगे, तो सबकी यही रहेगा कि अदर स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं नहीं, आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन आपके पास यूपी नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। यदि आपने किसी और स्टेट से कभी BSc GNM पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किया हो, लेकिन आपने यूपी का रजिस्ट्रेशन लिया हो, ट्रांसफ़र करवाया हो रजिस्ट्रेशन, तो वो लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। और ज़्यादा डिटेल उन्होंने अभी रिलीज़ नहीं की है। तो यहाँ पर टोटल जो 5000 पोस्ट हैं, 2000 पोस्ट हैं जनरल के लिए, EWS के लिए 500, OBC के लिए 1350, SC के लिए 1050 और ST के लिए 100 वैकेंसी हैं। तो टोटल मिला के 500 पोस्ट हैं। और जो अदर स्टेट के लोग यदि फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो उनको जनरल कैटेगरी से है जो लिया जाएगा। अब यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो फिलअप होने वाले हैं, आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। यदि कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। तो यहाँ पर अभी इन्होंने इतना ही नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है यूपी गवर्नमेंट ने, और जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, और ये भी नोटिफिकेशन ही है आपके लिए, तो यहाँ पर हो सकता है कल मॉर्निंग तक आपके लिए अपडेट कर दिए जाए ऑफिशियल वेबसाइट पर। पब्लिक हेल्थ नर्स के लिए भी अभी वैकेंसी निकली है यूपी में, तो आप उसके लिए भी फॉर्म फिलअप कीजिए। यूपी CHO की पोस्ट के लिए भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यूपी में अभी मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा पोस्ट निकली हैं, तो आप लोग को फॉर्म भरना है, अपनी तैयारी अच्छे से करनी है, क्योंकि जॉब है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रही बात आपके अदर स्टेट वालों की, तो वहाँ पर आप जनरल कैटेगरी से यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। तो एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, क्लासेस चैनल पर चल रही हैं, आपको जहाँ से जो भी स्टडी मटेरियल मिलता है अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि ये डिपेंड जब आपकी जॉब लगती है डिपेंड नहीं करेगा कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है, डिपेंड ये करता है कि आपकी जॉब लगनी चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। और आप लोग अपनी तैयारी ज़ोरों तोरों से रखिए।